प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और पिछली क्लास में हमने उदारवाद लिबरलिज्म को स्टार्ट किया था। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ प्रमुख लक्षणों पर, सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने जिक्र किया था कि उदारवाद अपने आप में कोई सुनिश्चित राजनीतिक विचार दर्शन नहीं है, और प्रोफेसर लास्की के शब्दों में ये एक मस्तिष्क की स्थिति मात्र है, मस्तिष्क की विचार प्रणाली मात्र है। ये एक तरीके का सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक संगठनात्मक ढांचा प्रस्तुत करता है। ये अपने आप में कोई सुविकसित, सुविचारित कोई राजनीतिक अवधारणा इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 4 शताब्दियों में इसका विकास विभिन्न रूपों में हुआ है, और यह जिन रूपों में विकसित होती गई है अर्थात समय के अनुसार इसने अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। तो इसके कुछ मुख्य सिद्धांतों, मुख्य लक्षणों पर चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जिसमें एक चर्चा ये थी कि मानव विवेक में आस्था रखता है, मनुष्य को बुद्धिमान मानता है, बुद्धिशील विवेकशील प्राणी मानता है, और उसे अपने भाग्य का निर्माता भी स्वयं ही मानता है। इसके अलावा अनुदारवाद का इसने घोर विरोध किया। मानव की जो स्वतंत्रता है उसको किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य, समाज, संस्थाएं, धर्म, दर्शन, परंपराएं, रीति रिवाज, जो भी मानव स्वतंत्रता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं, उनको ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा आज हम करेंगे। इस दृष्टिकोण से इसके जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार राज्य और समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं, राज्य और समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं। इन्होंने यूनानी विचारकों के इस विचार को स्वीकार नहीं किया है, प्लेटो और अरस्तु के इस विचार को नहीं स्वीकारा है कि राज्य और समाज देवीय संस्थाएं हैं। समाज मानव स्वभाव और राज्य मानव स्वभाव से उत्पन्न प्राकृतिक संस्थाएं हैं। उदारवादी समाज और राज्य को नैतिक सावयव भी नहीं मानते हैं। वस्तुतः ये सभी सिद्धांत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पर समाज और राज्य की श्रेष्ठता एवं प्रधानता का समर्थन करते हैं, जो उदारवादियों को कतई पसंद नहीं है। उदारवादियों ने समाज और राज्य को अपनी प्रकृति से यांत्रिक संस्थाएं माना है। उनका मत है कि व्यक्तियों ने इन संस्थाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सोच समझकर बनाया है, जिसका सरल अर्थ यह है कि भविष्य में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं, इच्छाओं के अनुरूप इन संस्थाओं में संशोधन और परिवर्धन का अधिकार रखता है, संशोधन और परिवर्धन का अधिकार रखता है, परिवर्तन कर सकता है। अपनी इस मान्यता के कारण अतीत में उदारवादियों ने देवीय और निरंकुश राजतंत्र और शासकों के विरुद्ध क्रांतियों का आयोजन किया, ताकि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार शासन संस्थाओं और समाज व्यवस्था की स्थापना की जा सके। तो निश्चित रूप से इनके लिए राज्य और समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति साध्य हैं और राज्य साधन हैं, व्यक्ति साध्य हैं और राज्य साधन हैं, व्यक्ति साध्य एवं राज्य साधन। जैसा कि प्रारंभ में भी हमने जिक्र किया था कि इस अवधारणा का मूल मंत्र यही है कि व्यक्ति स्वयं अपना साध्य है और राज्य तथा अन्य संस्थाएं उसके लिए साधन मात्र हैं, क्योंकि समाज और राज्य का अपना कोई शरीर नहीं होता है, और राज्य और समाज व्यक्तियों के समूह होते हैं। तो इस रूप में राज्य और समाज का न तो कोई मस्तिष्क होता है, न उनकी कोई इच्छा और न ही उनके कोई हित आदि होते हैं। व्यक्ति ही सामाजिक व राजनीतिक जीवन का यथार्थ है, व्यक्ति ही सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ है। वही शरीर, मस्तिष्क और इच्छाओं को धारण करता है, वही शरीर, मस्तिष्क और इच्छाओं को धारण करता है। उसके ही हित अहित होते हैं और वही सुख एवं दुख की अनुभूति करता है। इस प्रकार समस्त सामाजिक राजनीतिक जीवन का केंद्र स्वयं व्यक्ति होता है। उदारवादी इस आधार पर व्यक्ति व उसके व्यक्तित्व को स्वयं में साध्य मानते हैं, और समाज व राज्य को व्यक्ति के सुख तथा समृद्धि में वृद्धि का एक साधन मात्र मानते हैं।
इस दृष्टिकोण से उन्होंने समाज और राज्य के प्रति अपने तार्किक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, और ऐसा दृष्टिकोण जिसके आधार पर समाज और राज्य का संगठन व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी वांछनाओं के अनुरूप होना चाहिए, उसमें सुधार की आवश्यकता जब भी महसूस की जाए वह करने, उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं होनी चाहिए। उसे राज्य को अपनी औचित्य पूर्णता सिद्ध करना चाहिए जो व्यक्ति के सुख और समृद्धि में वृद्धि करने वाला हो। इसी रूप में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की समर्थक विचार दर्शन है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक उदारवादी विचार दर्शन व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। लॉक जैसे प्रारंभिक उदारवादी विचारक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया। उसने ऐसे अधिकारों में मुख्य रूप से जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकारों की गिनती की है। लॉक का मत था कि व्यक्ति को प्रकृति की अवस्था से ही ये अधिकार प्राप्त हैं, इनकी रक्षा के लिए ही व्यक्तियों ने राज्य और शासन की स्थापना की है। इस प्रकार वह इन प्राकृतिक अधिकारों को अनुल्लंघनीय मानता था। परंतु उसे मात्र व्यक्ति होने के कारण ये अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं, ऐसा उनका मानना है। अधिकारों के व्यक्ति के मौलिक अधिकार कहा और इन्हें अनुल्लंघनीय भी स्वीकार ने किया है। अर्थात व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते उसके जीवन को वास्तविक रूप से विकसित, क्योंकि अपने विकास की चरम अवस्थाओं को प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य होता है, और उसके लिए जो तत्व सहायक हो सकते हैं उन तत्वों को उसे प्रदान किया जाए, चाहे ऐसे तत्व धार्मिक क्षेत्र के हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र के हों, उन सभी अवस्थाओं को, सभी तत्वों को उसे प्रदान करने में सहयोग राज्य और सभी संस्थाओं को करना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते ऐसे अधिकार प्राप्त हैं और उन पर किसी भी प्रकार से बंधन नहीं लगाए जाने चाहिए, यहाँ तक कि राज्य द्वारा जो मैन मेड लॉ हैं उनके द्वारा भी उस पर ऐसे बंधन नहीं लगाए जाने चाहिए जो उसको विपरीत प्रकार से या उसके प्राकृतिक अधिकारों को रोकने वाले हों। इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। इस विचार दर्शन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का आधारभूत महत्व इसमें है। वे व्यक्ति के समस्त अधिकारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रारंभिक उदारवादियों ने व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार, उसको जन्मसिद्ध अधिकार बताया। स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, किंतु आधुनिक उदारवादी स्वतंत्रता को व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा और विकास के एक पूर्व शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता से उनका अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार आचरण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और इस प्रकार आधुनिक उदारवादी उसे चयनात्मक स्वतंत्रता के रूप में मान्यता देते हैं। प्रारंभ से आज तक सभी उदारवादियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी प्रत्येक सत्ता का विरोध किया जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का नियमन करती है, नियंत्रण करती है, या किसी भी रूप में उसका दमन करती है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। प्रारंभ में उसने स्वतंत्रता के मात्र निषेधात्मक पक्ष पर बल दिया, किंतु इसके साथ स्वतंत्रता के भावात्मक पक्ष का भी विकास किया गया, जैसे कि नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता आदि सिद्धांतों का विकास इसमें किया गया। इसके अलावा असीमित या समग्रतावादी, असीमित या समग्रतावादी शासनों का विरोध, अनुदारवाद के विपरीत यह विचारधारा, यह विचार दर्शन असीमित शासन
या असीमित शक्तियों वाले शासन का शुरू से ही विरोध करती आई है। निरंकुश सत्ता का प्रयोग का विरोधी रहा है। समग्रतावादी शासन और राजव्यवस्था दोनों का विरोधी विचार दर्शन है। प्रारंभिक जो उदारवादी थे, लाख का जो दर्शन था, उसमें शासन के विरुद्ध व्यक्ति को क्रांति का अधिकार है और उसे इसने व्यक्ति का वैधानिक अधिकार माना है। बाद के उदारवादियों ने ऐसे शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन तो किया, किंतु उन्होंने इसे व्यक्ति का अधिकार नहीं माना है। उन्होंने इसे व्यक्ति के नैतिक अधिकारों की संख्या में गिनती की है। 20वीं शताब्दी के उदारवादियों ने भी फासीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद और आदि समग्रतावादी राजव्यवस्थाओं और सैनिक अधिनायक तंत्रों के विरोध को उचित ठहराया है। इसके साथ ही पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श, पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवादी विचार दर्शन पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श को स्वीकार करता है। राज्य का धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, राज्य किसी एक विशेष धर्म की उन्नति का प्रयास नहीं करें, बुद्धिवाद, धार्मिक सहिष्णुता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर सभी प्रकार के पंथ राज्यों का विरोध किया है, धर्म राज्यों का विरोध किया है और पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श का समर्थन किया है। उदारवाद मूलतः बुद्धिवाद में और ये सभी धार्मिक पंथों को मात्र श्रद्धा और विश्वास के आधार पर आधारित ऐसा समुदाय मानता है जो केवल पारलौकिक दृष्टि से ही जीवन की समस्याओं पर विचार करते हैं। अतः वे पंथ राज्य को एक अबौद्धिक विचार मानते हैं, उसका विरोध करते हैं। पुनः स्वयं उदारवादियों का अपना दृष्टिकोण यह लौकिक ही है और इसलिए वे ऐसे राज्य के समर्थक हैं जो अपने उद्देश्य प्राप्ति के दृष्टि से मात्र लौकिक जीवन से संबंधित हों। किंतु ऐसा राज्य केवल पंथ निरपेक्ष राज्य ही ऐसा कर सकता है, अतः वह ऐसे पंथ निरपेक्ष राज्य के ही समर्थक हैं। विकासवाद और वैधानिक पद्धति में इस विचारधारा का विश्वास है। विकासवाद और वैधानिक पद्धति, विकासवाद एवं वैधानिक पद्धति में ही विश्वास, विश्वासवाद और वैधानिक पद्धति में ही विश्वास। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए और द्रुत गति से हुए। आर्थिक परिवर्तन की मांग बड़ी तीव्र रही। परिवर्तन की इस मांग ने विभिन्न प्रकार के हिंसक मजदूर आंदोलन और क्रांतियों को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स और उसके अनुयायियों ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एकमात्र उपाय साम्यवादी आर्थिक क्रांति को तथा उसके बाद मजदूरों की तानाशाही को की स्थापना को माना और इस आधार पर दुनिया के अनेक देशों में साम्यवादी दलों ने अपने यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाईं। अनेक देशों में क्रांति अथवा बल द्वारा साम्यवादी शासनों की स्थापना भी हुई। उदारवादियों ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में हिंसक क्रांति अथवा अधिनायकवादी शासनों की स्थापना की कटु आलोचना की है। उदारवादियों का विश्वास सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की विकासवादी पद्धति में है। वे संवैधानिक साधनों के द्वारा परिवर्तन को उचित मानते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने उदारवादी लोकतांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन किया है। उदारवादियों ने क्रमिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास किया। उनमें से अनेक ने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को भी स्वीकारा, क्योंकि यह विकासवादी पद्धति सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की समर्थक हैं। वर्तमान काल में उदारवादियों ने परिवर्तन की अपनी क्रमिक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक पद्धति की व्याख्या मानव मूल्यों के संदर्भ में की है और इसे मूल्य आधारित विकास अवधारणा कहा है। तो विकासवाद और वैधानिक पद्धति का जो परिवर्तन है उदारवादियों ने, वो मूल्य आधारित विकासवाद में किया है। इसके अलावा
लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास। उदारवाद का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में विभिन्न प्रणालियों की आलोचना करते हुए वह केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के पक्ष में ही अपना विश्वास प्रकट करता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि उदारवादियों ने जिस प्रकार से समग्रतावादी व्यवस्थाओं का विरोध किया या असीमित शासन का विरोध किया या असीमित शक्ति प्राप्त शासन प्रणाली का जो विरोध किया, अर्थात लिमिटेड जो पावर्स का जो शासन हो या लिमिटेड लायबिलिटी का जो शासन हो, उसके लिए वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही आवश्यक मानता है, क्योंकि अन्य सभी प्रकार के सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन जो है वह समग्रतावाद के आधार पर एक प्रधान शक्ति केंद्र के रूप में राज्य या शासन व्यवस्था को मनाता है, और इस रूप में कहीं न कहीं वह निरंकुशता की तरफ बढ़ता है। चाहे अब तक ज्ञात जितने भी शासन के पैटर्न रहे हों, शासन के प्रणालियां रही हों, वह कहीं न कहीं समग्रतावादी इस आवश्यकता की तरफ झुकी हुई दिखाई, इस गुण की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है कि कहीं न कहीं शासन में शक्ति का केंद्रीकरण अनावश्यक रूप से हो जाता है। चाहे फांसीवादी व्यवस्था रही हो, चाहे नाजीवादी व्यवस्था रही हो, चाहे साम्यवादी व्यवस्थाएं क्यों नहीं रही हो, कहीं न कहीं या अधिनायकवादी सैनिक लोकतंत्र या सैनिक अधिनायकवाद की स्थापना क्यों नहीं रही हो, कहीं न कहीं ये व्यवस्थाएं अत्यधिक शक्ति केंद्रीकरण में विश्वास करती हैं, और शक्ति के केंद्रीकरण के कारण से वह कहीं न कहीं चाहे कितनी ही अपने आप को सीमित रखें, वह निरंकुश सत्ता का प्रयोग करने ही लग जाती हैं। ऐसा विश्व के ज्ञात राजनीतिक इतिहास और शासन प्रणालियों के इतिहास से हमें इस बात का पता चलता है। तो निश्चित रूप से उदारवादियों की मान्यता यह है कि जिस सीमित शक्ति के शासन की कल्पना वो उदारवादी करते हैं, वह केवल और केवल लोकतंत्र में ही संभव हो सकती हैं, और इसीलिए इनकी मान्यताओं के अनुसार जो शासन प्रणाली या इनकी भावनाओं के अनुसार जो शासन प्रणाली होनी चाहिए वह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही है, और इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के आधार पर ही वह अपने उपरोक्त लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही वैधानिक पद्धति में विश्वास करती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां ही मुख्य रूप से पंथ निरपेक्ष राज्यों को अपनाती हैं या पंथ निरपेक्ष राज्य के आदर्श को स्वीकार करती है, और इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही व्यक्ति साधन है, साध्य हैं और राज्य साधन है, यही विचार मान्यता प्राप्त करता है, और यही प्रणाली है जो व्यक्ति के स्वतंत्रता का समर्थन करती है, और यही प्रणाली जो है कहीं न कहीं व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन कर सकती है, जिसे मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों के रूप में कहा गया है। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था इनके संपूर्ण चिंतन की आधारशिला है, क्योंकि इस आधारशिला के आधार पर ही वह अपने संपूर्ण चिंतन को वास्तविक साकार रूप में ला सकते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इनका जो विश्वास है वो एक आधारभूत बिंदु है, आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि अपने सभी सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए इनको ये शासन प्रणाली ही अधिकार संपन्न बना सकती है या ऐसी व्यवस्थाएँ प्रदान कर सकती हैं। वस्तुतः आधुनिक युग में प्रचलित प्रतिनिधि लोकतंत्र की उत्पत्ति और विकास का संपूर्ण श्रेय केवल उदारवादी विचारकों को ही जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उदारवादियों को के संपूर्ण दर्शन और चिंतन के अनुरूप है। इस शासन प्रणाली का आधार बुद्धिवाद है, इसमें जनमत के माध्यम से अनुदारवाद का विरोध संभव है, और इस प्रणाली में ही व्यक्ति को साध्य और शासन को साधन माना जाता है। इसमें ही व्यक्ति के विभिन्न अधिकार और स्वतंत्रताएँ अधिक सुरक्षित हैं। मानव की गरिमा की रक्षा करते हुए संवैधानिक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की गुंजाइश भी इस प्रणाली में मौजूद है। अतः उदारवादियों ने लोकतंत्र का समर्थन लोक प्रभुत्व के सिद्धांत के आधार पर किया है, इसके अलावा ये राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का भी समर्थक हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय
के सिद्धांत का समर्थन, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थक हैं। ये जो विचार दर्शन है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थक हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की स्थापना एवं उत्थापन में उदारवादियों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया कि विदेशी शासन की दासता के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक राष्ट्र की जनता का नैतिक और राजनैतिक अधिकार है। ब्रिटिश दासता के विरुद्ध अमेरिकी जनता के राष्ट्रीय संघर्ष का वहाँ के उदारवादियों ने पूर्ण समर्थन किया। इसी प्रकार यूरोप के विभिन्न देशों के उदारवादियों ने नेपोलियन की विस्तारवादी नीति का विरोध इस आधार पर किया था कि यह नीति उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अंत करने वाली थी। उदारवाद ने यूरोप में विभिन्न देशों की जनता के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार किया और इसी आधार पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में 7 नए राष्ट्रों की स्थापना हुई। ये उल्लेखनीय है कि एशिया अफ्रीका में चले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों की पृष्ठभूमि में पश्चिमी उदारवादी चिंतन का पर्याप्त प्रभाव रहा है। इस दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। इस प्रकार उदारवाद ने राष्ट्रवाद को जनता की एक आकांक्षा के रूप में स्वीकार किया, किसी शासन की महत्वाकांक्षा के रूप में नहीं। सरल शब्दों में उदारवाद राष्ट्रवाद के केवल उस रूप का समर्थक है जिसे हम उदार राष्ट्रवाद कहते हैं। ये सभी प्रकार के उग्र राष्ट्रवाद का विरोधी हैं। उग्रता का विरोध इसमें किया गया है। अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व शांति का समर्थक, एक और अन्य महत्वपूर्ण लक्षण इसका है, अंतर्राष्ट्रवाद एवं विश्व शांति का समर्थक, विश्व शांति का समर्थक। ये जो चिंतन है, ये जो उदारवादी चिंतन है, वो अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थक है और विश्व शांति का समर्थक है। जहाँ कहीं भी उग्र राष्ट्रवाद का विरोध होगा, जहाँ कहीं भी सीमित शासन की कल्पना होंगी, तो निश्चित रूप से यह विचार दर्शन, निश्चित रूप से ये विचार दर्शन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक विचार दर्शन होगा। क्योंकि जहाँ कहीं भी सैनिक अधिनायक तंत्रों के अधिनायकों की स्थापना हुई, सैनिक अधिनायक तंत्र बने, या समग्रतावादी राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना हुई और उन राज्यों ने कहीं न कहीं अपनी विदेश नीतियों को सैनिक तत्व से पोषित किया, सैनिक तत्व से परिपुष्ट किया और इन्होंने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, जिस कारण से निश्चित रूप से युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में युद्धों का जन्म हुआ, बड़े बड़े युद्ध हुए। ये निश्चित रूप से राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है। लेकिन जब विचारधारा सीमित शक्ति वाले शासन की स्थापना पर कार्य करती हो, जब विचारधारा उग्र राष्ट्रवाद का विरोध करती हो, जब विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय शांति जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के समर्थक हों और इस आधार पर बने राज्यों की जो विदेश नीतियाँ हैं निश्चित रूप से असीमित सैन्य शक्ति का पोषण करने वाले नहीं हों, तो कहीं ना कहीं उनसे अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व शांति का प्रस्फुटन होगा। निश्चित रूप से ऐसा विश्व इतिहास में दिखाई देता है। न केवल ये आंतरिक क्षेत्र में अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य की निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्ति का विरोधी है। उदारवाद अपनी प्रकृति से सार्वभौमिक मानव मूल्यों का दर्शन है और जीवन की विविधताओं में उसकी आस्था है। अतः उसका विश्वास है कि विभिन्न राजनीतिक विश्वासों एवं राज व्यवस्थाओं वाले राज्य एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। राज्यों की आपसी समस्याओं का पारस्परिक वार्ता, सहयोग तथा अन्य शांतिपूर्ण साधनों से उनसे सुलझाया जा सकता है। उदारवादियों का मत है कि दुनिया के सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए ताकि राज्यों के बीच सहयोग, मैत्री और सद्भावना की स्थापना हो और एक युद्ध रहित अंतर्राष्ट्रीय विश्व का या अंतर्राष्ट्रीय समाज का निर्माण का सपना जो है वो साकार हो। 19वीं शताब्दी के उदारवादियों ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विचार को प्रस्तुत किया था जो राज्य की अपनी समस्याओं के समाधान में मदद करें। उदारवादी विचारधारा के प्रभाव के अंतर्गत ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई और द्वितीय महायुद्ध के बाद वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की स्थापना का मूल आधार उदारवादी दर्शन और मूल्य ही हैं। तो निश्चित रूप से ये विचार दर्शन कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक विचार दर्शन है, अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला है और
इसका इसके जो मूल विचार मान्यता है वो ये है कि विभिन्न विचारों, विभिन्न व्यवस्थाओं और विभिन्न शासन प्रणालियों के बावजूद पूरे विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है और परस्पर विभिन्न प्रतिरोधी विचार वाली प्रणालियां एक साथ रह सकती हैं, विभिन्न विपरीत विचार दर्शन वाले शासनों वाले राष्ट्र एक साथ रह सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति के साथ जिया जा सकता है। कुल मिला के सहयोग और सद्भाव पर आधारित ये एक वैश्विक व्यवस्था के स्थापना का समर्थक विचारधारा है। अब इसके बाद में इसकी आलोचना है, उदारवाद की आलोचना। उदारवाद की आलोचना उदारवाद की आलोचना उदारवादी सिद्धांतों की व्याख्या के बाद में हम इसमें जो आलोचनाएं दिखाई देती है, इसकी जो कमियां, इसके जो डिमेरिट्स दिखाई देते हैं, उनकी भी चर्चा हम यहाँ पर संक्षेप में करेंगे। सबसे पहले उदारवाद में निहित व्यक्तिवादी अंश की आलोचना की जा सकती है। उदारवाद में निहित व्यक्तिवादी अंश, व्यक्तिवादी अंश की आलोचना, व्यक्तिवादी अंश की आलोचना। उदारवाद निश्चित रूप से कहीं न कहीं पश्चिमी मूल्यों पर आधारित विचारधारा है और इसने अपने विकास के प्रारंभिक दौर में ही अनेक व्यक्तिवादी सिद्धांतों को अपनाया और इनमें से कुछ सिद्धांतों की आज भी आलोचना की जाती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। ये आलोचना इसकी है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। प्रारंभिक उदारवादियों ने व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकारा था और उसे अति सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन किया था। कुल मिला के यहाँ पर राज्य का जो कार्य था एक पुलिस स्टेट का कार्य था। आलोचकों का मत है कि राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, अपितु ये सार्वजनिक हित और कल्याण की वृद्धि का कि सर्वोत्तम संस्था है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये निश्चित रूप से इनके व्यक्तिवादी विचारकों का अंश था। राज्य एक आवश्यक बुराई, असेंशियल इवल के रूप में इसको स्वीकार किया था। ये प्रारंभिक उदारवादियों के विचार दर्शन की मान्यता थी, लेकिन वास्तव में अधिसंख्य विचारकों का मानना है कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास का अवसर, सर्वोत्तम विकास का अवसर एक व्यवस्थित नागरिक समाज में ही संभव है, एक व्यवस्थित सिविल सोसाइटी में ही संभव है कि वह अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उस चरम विकास को प्राप्त कर सकें। और ये तब ही संभव है कि उसे ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हों, ऐसी परिस्थितियां प्राप्त हों जिनमें वह शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर सकें और अपने बौद्धिक क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए ये परिस्थितियाँ उसे एक सभ्य और सुसंस्कृत सिविल समाज में, सिविल सोसाइटी में ही संभव है। अर्थात राज्य व्यक्ति के हित और व्यक्ति के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है, उसे बुराई नहीं कहा जा सकता, जैसा कि प्रारंभिक उदारवादियों ने अपने विचार दर्शन में से बुराई के रूप में स्वीकार किया था। इसी प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत भी त्रुटिपूर्ण है। नकारात्मक स्वतंत्रता, व्यक्तिवादी अंश के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है, का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। उदारवादी विचार दर्शन के इस व्यक्तिवादी अंश के अनुसार प्रारंभिक उदारवादियों ने व्यक्तिवादियों की तरह यह माना था कि राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं और इस तरह उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। इस आधार